चलो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डांस करते हैं। हाँ चलो। तो आप सब भी खड़े हो जाइए और हमारे साथ डांस कीजिए। अगर आप भी ऐसे ही इन सब के साथ डांस करना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाओ और डाउनलोड करो 3D बेयर ऐप। इतना ही नहीं, शेयर कीजिए अपनी फोटोज और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ और पाइए बहुत सारे लाइक्स। गट्टूस फुटबॉल मैच। बच्चों को कब कौन सी चीज अच्छी लगे, कब कौन सी आदत लग जाए, कोई नहीं कह सकता। गट्टू को भी एक आदत लग चुकी थी, नींद में राइट वाला पैर जोर जोर से हिलाने की। सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन जब आधी रात में चिंकी पानी पीने के लिए उठी, उसने अंधेरे में जोर जोर से हिलता पैर देखा तो वो जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा। मम्मी पापा भागते हुए कमरे में आए, लाइट्स ऑन हुए और उन्होंने चिंकी से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? वो देखो। मम्मी पापा ने जब गट्टू की तरफ देखा तो उनकी हंसी फूट गई, क्योंकि गट्टू गहरी नींद में था और अपना राइट पैर उठाकर हवा में लगातार किक किए जा रहा था। काफी फनी दिख रहा था वो। हे भगवान, अब ये क्या नया शुरू कर दिया गट्टू ने। गट्टू उठो बेटा, गट्टू। मम्मी पापा की आवाज से गट्टू की नींद खुल गई। उसने कहा, मम्मी पापा आप यहाँ, क्या बात है? हवा में हेलीकॉप्टर की तरह पैर घुमा रहे हो और पूछते हो क्या हुआ? कितना डर गई थी मैं, पता है? मैं नहीं नहीं, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। ये सुनकर पापा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है गट्टू, तुम्हारी मम्मी और मैं भी यहाँ आकर सपने देख रहे थे? बेटा तुम सच में हवा में जोर जोर से किक कर रहे थे। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, चलो सो जाओ सब। लेकिन ऐसा रोज रोज होने लगा था। रोज गट्टू गहरी नींद में अपना पैर हवा में हिलाता था और बेचारी चिंकी की नींद उड़ जाती थी। फिर चिंकी ने एक आइडिया किया, उसने गट्टू का वो वाला पैर ही बांध दिया। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन नहीं, गट्टू का बंधा हुआ पैर भी डांस करने लगा और चिंकी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान। ये कहानी बेडरूम के अंदर ही नहीं रुकी, बेडरूम के बाहर सोसाइटी और स्कूल तक जा पहुंची। दरअसल बात ये थी कि अब गट्टू नींद में ही नहीं बल्कि जागते टाइम भी एक पैर हवा में किक कर रहा था और उसकी वजह से उसके आसपास के लोग खतरे में आ गए थे। उस दिन तो गट्टू की लात बंटी की आंख तक पहुंच गई और ये बात मिश्रा सर को पता चली तो वो भी परेशान हो गए। गट्टू हवा में लात मारता हुआ चल रहा था, रास्ते में कोई टीन का कैन मिले तो उसे ठोकर मारते मारते घर तक ला रहा था। घर में कैंस का ढेर हो गया और फिर पापा मम्मी सीरियस हो गए। गट्टू ये क्या आदत लग चुकी है तुम्हें, पहले बेडरूम और अब बेडरूम के बाहर भी। बंटी बाल बाल बचा उस दिन, चिंकी बता रही थी, जो मिला उसे लात मारते मारते घर ले आते हो, फिर वही वापस मुझे कबाड़ी वाले को बेचना पड़ता है। मम्मी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लात घुमाना मेरा पैशन बन गया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चोट पहुँचाना चाहता हूँ या फिर किसी को डराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ छोड़कर अपनी लात के ही क्यों पीछे पड़ा हूँ। गट्टू समझ नहीं पाया था लेकिन पापा समझ गए थे। पापा गट्टू से बोले, डोंट वरी बेटा, मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे इस आदत का एक अच्छा इलाज है मेरे पास, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो क्या है पापा? शाम को मेरे साथ चलना, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। फिर शाम को पापा गट्टू को लेकर एक स्पोर्ट शॉप पर आए और वहाँ से उन्होंने गट्टू को एक फुटबॉल निकाल कर दिया। फुटबॉल देखते ही गट्टू के चेहरे पर बढ़िया से स्माइल आ गई और उसका राइट लेग डांस के मोड में आ गया। वाओ पापा, फुटबॉल मुझे यही तो चाहिए था, यही तो था जिसके लिए मेरा लेग बार बार नाच रहा था। बस प्रॉब्लम यही थी कि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुझे फुटबॉल चाहिए। और गट्टू बस ऐसा कहकर ही नहीं रुका, उसने फुटबॉल जमीन पर छोड़ा और फुटबॉल के साथ साथ गट्टू भी जंप करते हुए खेलने लगा। पापा के साथ साथ शॉप वाले अंकल भी खुश हो गए।
इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल पर इतना अच्छा होल्ड। देखना सर, एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा आपका गट्टू। ये सुनकर तो गट्टू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब आगे की स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग बन गई थी, क्योंकि गट्टू को लात मारने के लिए एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसमें मजा भी आता था और कुछ कहता भी नहीं था। गट्टू रोज स्कूल से घर आते ही और सुबह स्कूल जाने से पहले फुटबॉल की जोरदार प्रैक्टिस करता था। एक दिन तो वो अपना फुटबॉल अपने साथ स्कूल लेकर गया और जैसे ही टाइम मिला फुटबॉल खेलने लगा। स्कूल के बहुत से बच्चे भी फुटबॉल लेकर स्कूल आने लगे और देखते देखते स्कूल के ग्राउंड में बस फुटबॉल ही फुटबॉल नजर आने लगे। हेडमास्टर पांडे ने ये बात नोटिस की और वो मिश्रा सर से बोले, सर क्या कहते हो जाए बच्चों के साथ एक एक मैच? हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था, अब माहौल बन ही गया है तो मार ही देते हैं किक। फिर क्या, दो टीम बनाई गई, एक गट्टू की टीम और दूसरी बंटी की टीम। दोनों को बराबर प्लेयर्स बांट दिए गए और फुटबॉल मैच शुरू हुआ। मिश्रा सर और पांडे सर गोलकीपर की पोजीशन पर थे, गट्टू मिश्रा सर की टीम में था। गट्टू ऐसे ऐसे किक मार रहा था कि उसकी बॉल रोकते रोकते पांडे सर के पसीने छूट रहे थे। अरे क्या कमाल खेलता है ये बच्चा, इसकी किक से छूटी हुई बॉल तो दिख ही नहीं रही, गोल पर गोल किए जा रहा है बस। इस प्रकार मैच संपन्न हुआ तो गट्टू की टीम जीत गई थी। वाह बच्चों, गट्टू वेल डन, हाँ तुम्हारा किक परफॉर्मेंस अच्छा है, और भी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें फुटबॉल में, लेकिन डोंट वरी, पांडे सर ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। गट्टू, मैं तुम्हारे लिए एक फुटबॉल ट्रेनर की अरेंजमेंट कर रहा हूँ स्कूल की तरफ से, वो खास तुम्हें ट्रेन करेगा। तुम स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलोगे और अपने साथ साथ स्कूल और देश का नाम भी रोशन करोगे। ये सुनकर गट्टू इतना खुश हुआ कि उसने एक जोरदार किक फुटबॉल को मारी और फुटबॉल हवा को चीरते हुए ऊपर आसमान में गायब हो गया। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और आप भी डाउनलोड करो 3D बेयर ऐप और बनाओ अपना खुद का AR वर्ल्ड। अपनी क्रिएटिविटी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और पाइए ढेर सारे लाइक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।